हेलो एवरीवन, नमस्कार। कटारे इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत। दिस इज मुकेश कटारे। दोस्तों, करंट अफेयर का रोल हमेशा से रहता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, करंट अफेयर उसको छोड़ नहीं सकते, उससे क्वेश्चंस आते ही। तो जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम, उस न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ ऐसी रहती है जिन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है या जिनसे हम नोट्स बना सकते हैं? तो आज का न्यूज़पेपर ले लेते हैं, जनसत्ता, राष्ट्रीय न्यूज़पेपर है। इसमें कौन कौन सी न्यूज़ हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं या जिसके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, जो हमारे व्यूज़ भी बनाता है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मुख्य परीक्षा में अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे जो नॉलेज है वो हमें न्यूज़पेपर से मिल जाती है। ठीक, तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर आप देखोगे यहाँ पर न्यूज़ है कि पायलट खेमे ने दी जोशी के नोटिस को चुनौती। ये एक ऐसा मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, हर बार ये चर्चा में रहता है। आज किसी भी राज्य में सरकारें बनी बिगड़े, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में, उसके पहले कर्नाटक में ये चल रहा था कि एक दल के लोग जो कि चुनाव लड़ते समय किसी दूसरे दल की सदस्यता हासिल करते हैं और जीतने के बाद फिर किसी दूसरे दल में चले जाते हैं, दोनों की जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, ओवर एम्बिशंस, वो आकर के जब टकराते हैं तब ये समस्या आ जाती है। क्या समस्या आ जाती है कि उनकी योग्यता अयोग्यता संबंधी जो प्रश्न हैं वो उठ जाते हैं, तो अयोग्यता और योग्यता संबंधी जो प्रश्नों को लेकर के फिर ये बयानबाजी शुरू हो जाती है। हुआ क्या, यहाँ पर जो अध्यक्ष थे उन्होंने, जो पायलट ग्रुप के कुछ विधायक थे, उनको 18 सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया कि आप वोटिंग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। तो फिर ऐसे मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, तो उसी को लेकर के ये न्यूज है। दल बदल विरोधी जो कानून है उसको लेकर के ये न्यूज है। इसमें क्या बात की गई है, देखो कि पायलट खेमे के जो विधायक हैं वो कहते हैं कि व्हिप जारी जो की जाती है, तो व्हिप उनका मानना है कि तब लागू होती है जब सत्र चल रहा होता है। व्हिप क्या होती है, तो राजनीतिक पार्टी का जो सचेतक नामक एक पद होता है वो एक ऑर्डर पास करेगा तो किसी विधेयक के समर्थन के लिए या इसके विरोध के लिए, जैसा ऑर्डर पास होता है उन सदस्यों को उसी के हिसाब से वोटिंग करनी होती है। अगर वो ऐसी वोटिंग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, यानी वो विधायक ना रहें इस बात का भी एक्शन लिया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से तर्क देती है कि दल बदल कानून जो है उसका जो 10th शेड्यूल में ऐसा लिखा है। अब प्रोविजन के बारे में है कि कोई विधायक अपनी मर्जी से यदि उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है जिसका वो पहले मेंबर था जिस पार्टी का, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यानी दल बदल विरोधी कानून में ये प्रावधान किए गए कि यदि आपने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा है और उसके बाद जीतने के बाद अब आप कांग्रेस को छोड़ देते हैं, किसी अन्य पार्टी में जुड़ जाते हैं, नहीं जुड़ते हैं, तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, 24 विधायक प्लस एक और जोड़ दें तो उनकी मेंबरशिप समाप्त हो गई, अब उन्हें उपचुनाव लड़ना पड़ेगा। ये सारी न्यूज हैं, तो इन पर थोड़ा सा एक नज़र बनाए रखना। ये नहीं कि सरकार रहेगी कि जाएगी, कि इसमें क्या हाईकोर्ट निर्णय देता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट निर्णय क्या आता है। अगली न्यूज ये चीन के संबंध में है, महत्वपूर्ण है, इस पर हमें पढ़ना पड़ेगा कि अभी जो चीन के साथ लद्दाख में गालवान घाटी पर जो तनाव हुआ था, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के 40 से ज़्यादा उनकी मौत हुई थी उन्हें, तो उसको लेकर जो तनाव था उस तनाव को कम करने के लिए दिन ब दिन डायलॉग हो रहे हैं, सेना जो है पीछे हट रही है, तो यहाँ पर ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट जारी किया। कल मीटिंग चली थी काफ़ी लंबे समय तक दोनों के कोर कमांडर की। चीन दबाव बना रहा है, भारत उस दबाव को प्रोटेस्ट कर रहा है, अपने हक के लिए वो वहाँ पर बड़े ही स्ट्रॉन्ग वे में उसका अपोज कर रहा है, जो कि पहले देखने को नहीं मिलता था। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चीन इसमें जो बदलाव चाहता है भारत उसके फेवर में नहीं है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पुरानी स्थिति थी उसी पर चीन को वापस जाना पड़ेगा, जब तक ये वापस नहीं जाएंगे तब तक स्थायी शांति नहीं होगी। तो कोर कमांडरों के बीच ये स्टेप बाय स्टेप बातचीत हो रही है, तो उसको लेकर ये न्यूज है। बाइलेटरल रिलेशंस हैं उनको लेकर के ये न्यूज है, ये हमारे काम की है, इसको हमें ध्यान देना है। इसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण न्यूज जो फ्रंट पेज पर मिलती है, ये है जो
पाकिस्तान में हमारा एक नेवी के कमांडर जिन्हें धोखे से ईरान से पकड़ा गया था, जाधव, तो जाधव उनको पाकिस्तान के कोर्ट ने 2007 में 17 में, आगे अगले पेज पर इसके बारे में लिखा है, फांसी की सजा सुनाई थी जासूसी का आरोप लगा करके। उसके बाद इनके खिलाफ अपील करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे, वहाँ फिर कोर्ट ने आदेश दिया था कि अपील करने का, भारतीय राजनयिकों से मिलने का पाकिस्तान ये अधिकार प्रदान करें, मगर जैसा पाकिस्तान की फितरत है कि उन्होंने उसे उनसे मिलने भी नहीं दिया। इवन जो भारतीय राजनयिक प्रथम सचिव और एक और अधिकारी गए थे तो उनकी गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया, देन फिर सीसीटीवी लगाए थे, वो अधिकारी डरा धमका करके बैठे थे। यानी कहना ये है कि जाधव के ऊपर जो पुनर्विचार के लिए फांसी की जो सजा सुनाई गई है उस पर पुनर्विचार के लिए अपील ना कर पाए इसका दबाव बनाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये जो मीटिंग थी उसको लेकर के आ रहा है। तो पाकिस्तान अपनी जो जालसाजियां हैं, मक्कारियां दिखाता रहता है, वही सारी बातें। इसके बाद फ्रंट पेज पर एक और न्यूज है कि कल ट्विटर के कई सारे अकाउंट जो थे वो हैक कर लिए गए, जिसमें बराक ओबामा का भी आता है, इसमें टेस्ला के जो प्रमुख हैं उनका भी, एप्पल का यहाँ पर हैक कर दिया गया था। तो ऐसी प्रसिद्ध हस्तियों के अकाउंट हैक कर लिए थे। उसके बाद उन लोगों ने बिटकॉइन की मांग की थी। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी होता है, इसको एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि ये किसी देश की सरकार या बैंक ने जारी नहीं किया है, ये तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके आधार पर यह बिटकॉइन मिलता है। तो उस बिटकॉइन की मांग की गई थी, तो ट्विटर के जो खाते थे वो हैक कर लिए गए, जिससे ये ज्ञात होता है कि ट्विटर जैसा जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेटेड है, पॉपुलर है, उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी है, उसकी सुरक्षा बेकार हो गई। तो यहाँ से एक तो सीख ये मिलती है कि ऑनलाइन ये जितने भी सिस्टम हैं ये पूरी तरीके से सेफ नहीं है, राइट। दूसरी बात ये आती है कि डाटा हैक हो जाता है। भारत को चाहिए कि भारत यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करें, हम इनके ऊपर निर्भरता अपनी कम कर दें। तो यहाँ पर जो तरीका अपनाया गया इन प्रसिद्ध हस्तियों के अकाउंट से ट्वीट किए गए कि अब समय आ गया है जनता को, समाज को देने का, आप हमें 1000 बिटकॉइन भेजें, बदले में कुछ ही देर में हम आपको 2000 बिटकॉइन देंगे, तो बहुत सारे लोगों ने ट्रांसफ़र भी कर दिए थे। बाद में जब जांच हुई तो पता चला, तो अभी ये सब चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। फिर से कुछ अकाउंट रिस्टोर हो गए हैं, सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है, ये सारी बातें इसमें की गई हैं। फिर एक महत्वपूर्ण न्यूज है, उस न्यूज का संबंध अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से है प्लस चीन से भी है, राइट। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और चीन के संबंध में ये न्यूज है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि दक्षिण चीन सागर जो है ये बड़ा तनावपूर्ण है और तनाव का मुख्य कारण चीन है। चीन क्या कर रहा है, हर सेक्टर में अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, यानी कि चीन दक्षिण चीन सागर को अपनी टेरिटरी मानता है, इसमें वो किसी का प्रवेश नहीं चाहता है। तो इसका विरोध वहाँ दक्षिण चीन सागर में अन्य देश भी कर रहे हैं और अमेरिका भी कर रहा है। तो भारत ने इस मामले में, विदेश मंत्रालय ने बोला है कि ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा है ये दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, इसका उपयोग नेविगेशन यानी नौवहन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो एयरलाइंस है उसके ऊपर से उड़ान भर सकती है तो उसके लिए बिल्कुल किया जाएगा, भारत इस बात के लिए पहले से समर्थन में था, ठीक है। तो बीजिंग और ये जो लोग इसे अपना बताना चाहते हैं तो ये दावा खारिज कर दिया गया है। 21 मई 2020 को ही यहाँ पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बोला कि हम पहले ही ये अपना स्टेट क्लियर ले चुके हैं। तो दक्षिण चीन सागर विवाद का मुद्दा बना है, तो उसको लेकर भारत का ये स्टेटमेंट जो है अंतर्राष्ट्रीय और प्लस डिप्लोमेटिक रूप पे हमारी स्ट्रॉन्गनेस को दिखाता है। कहीं ना कहीं हम चीन के दबाव में अब डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। एक समय था जब चीन के दबाव में आकर तिब्बत, उसको भी मान्यता दे दी गई थी चीन के अधिकार के क्षेत्र में, आखिर उसकी परेशानियाँ भारत को ही भुगतनी पड़ रही, राइट। देन फिर ये निष्ठा योजना, तो इससे कुछ ऐसा है नहीं, तो उसको छोड़ सकते हैं। अगला इसके बाद महत्वपूर्ण जो न्यूज है, तो उस न्यूज को एक बार देख सकते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, प्रोफेसर राकेश भटनागर,
JNU के उनके साथ में, कि गले में जो संक्रमण होता है उसके संबंध में एक वैक्सीन बना लिया है, यानी स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण जो लाखों लोगों को प्रभावित करता है, तो उससे बचने का उन्होंने वैक्सीन बना रखा है। तो 5 लाख से ज़्यादा लोग हर साल इससे प्रभावित होते हैं। कोई ऐसा स्थायी इलाज इसका नहीं था, तो यहाँ पर माना जा रहा है कि चूहों में कई सारे सेरोटाइप परीक्षण किए गए और अब इसमें आगे पेटेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। पेटेंट मिलने के बाद फिर इसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाएगा, राइट। तो एक ये चीज हो जाती है, ठीक है। तो ये एक उपलब्धि है, अचीवमेंट है भारत के संदर्भ में। इसके बाद अगला कुछ हम न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ के रूप में ये पेज, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हमें अपने काम आ सकता है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला पेज भी हमारे किसी काम का नहीं, इस पूरे को छोड़ देते हैं। यहाँ फिर एक न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल के, राष्ट्रीय महत्व की एक घटना मिल जाती है हमें, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों पर काम आती है। वो घटना क्या है कि प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशियो काउंसिल। तो प्रधानमंत्री जी आज इसको संबोधित करेंगे। आजकल जो भी संबोधन है सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हो रहे हैं, पहले जाते थे, कोविड-19 की वजह से आवागमन बंद है। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसका समापन सत्र जो है उसको ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, यूएन के महासचिव जो एंटोनियो गुटेरस हैं तो ये भी सम्मिलित होंगे यहाँ पर। भारत चूंकि अभी यूएन में उसका वेटेज बढ़ गया है, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं जो बदलते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं। तो भारत एक इंटरनेशनल लेवल पर रेस्पॉन्सिबल देश है, जिम्मेदार है, तो उस लिहाज से ये एक कह सकते हो कि कभी पूछ सकता है फैक्चुअल टाइप में कि बताओ किसने संबोधन किया था उसको लेकर के ये चीज़ें, राइट। तो ये वाली घटना हो जाती है। देन इसके बाद फिर इस पेज पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं जो हमारा ध्यान आकर्षित करे या हमें नोट करने की आवश्यकता पड़े। न्यूज़पेपर डेली पढ़ने के लिए एडिटोरियल मस्ट है, एडिटोरियल जरूर पढ़ना चाहिए। तो एक इस साइड में एडिटोरियल होता है, ये करंट से हाईली रिलेटेड होता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो एडिटोरियल आता है, राइट, दोनों ही काम के हैं। ये भी काम का है और ये विशेष रूप से काम का है, महिला सशक्तिकरण या महिलाओं की जो श्रम में भागीदारी है उसको लेकर के बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक। इसमें समस्याएं भी बताई जाती हैं, सुझाव भी दिए जाते हैं, तो उनका हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक। इसको आप, अगर आपके पास पेपर अवेलेबल हो तो ये कटिंग निकाल के रख लो, नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको प्राप्त कर सकते हो। क्या जानकारी दी जा रही है? तो जानकारी इसमें जो दी जा रही है वो कि देखो किसी भी देश बाई नेचर अगर हम बात करें तो होता क्या है, मेल और फीमेल दोनों 50-50% होते हैं। अब देश की इकोनॉमी में महिलाओं की क्या भागीदारी है इस पर निर्भर करता है कि वह देश कितना आगे बढ़ चुका है, कितना विकसित है, कितना मॉडर्न है, कितना एम्पावर है, तो इससे हमें ज्ञात होता है। तो भारत में महिलाओं की जो कार्यबल यानी वर्किंग जो ग्रुप जो आता है वो अच्छी नहीं है। 2018 में सामाजिक कार्यबल सर्वेक्षण किया गया था तो पुरुष कितने हैं, 71.2% कामकाजी यानी जो कार्य करते हैं, ठीक। और महिलाओं का हिस्सा कितना था 15+ एज वाले का, तो मात्र 22%। जबकि कंपेयर किया जाता है जो देश विकसित हैं, जो क्वालिटी लाइफ जीते हैं, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश, यहाँ 4 में से 3 महिलाएं वो कामकाजी महिलाएं, राइट। ये कामकाजी से मतलब है इकोनॉमिक प्रोडक्शन, घरेलू कामकाज में बात उसको काउंट नहीं करते। तो भारत में महिला श्रमिक जो है ये लगातार इसमें कमी होती जा रही है, लगातार। तो इसके पीछे कारण क्या बताया जाता है? तो एक कारण जो परंपरागत रूप से है पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना, परिवार का मुखिया पिता होता है, लड़कियों को कम अवसर दिए जाते हैं, उनको एजुकेशन के अवसर भी कम होते हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट में भी कमी की जाती है, स्वास्थ्य देखभाल की कमी रहती है, घरेलू कामकाज में उन्हें ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। तो दीज ऑल आर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर महिलाओं के कम कामकाजी होने के लिए। तो महिलाओं को
अब सुरक्षित कार्यबल का अभाव है, वर्किंग जहाँ काम करते हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं, शोषण, ये सब चीजें आ जाती है। मातृत्व सुविधाओं का सही से विकास ना होना, लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये आम समस्या है। भारत में 1/4 जो महिलाएं हैं वो कड़ी मेहनत करती हैं, लेकिन उस कड़ी मेहनत के बाद भी उनको जो मजदूरी दी जाती है वो पुरुषों की तुलना में कम मिलती है। राइट, रिसर्च बताती है, ये देखो डाटा आपके लिए काम आएंगे, कि पुरुषों की अपेक्षा 35% उन्हें कम सैलरी मिलती है, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, जो कि DPSP में लिखा है, उसका पालन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो 35% बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। राइट, इसके बाद आगे इसमें एडिटोरियल में अच्छी जानकारी आपको और मिलेगी, कि ऐसे कुछ मेजर फैक्टर हैं जिसके तहत चलते महिलाएं औपचारिक श्रम बल में उनकी भागीदारी बढ़ने के स्थान पर घटती जा रही है। लैंगिक असमानता, लैंगिक समानता सूचकांक, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स जो बनाया गया तो उसमें भारत की स्थिति बताती है, टोटल कितने देश, 153, इन देशों में भारत को कितनी रैंकिंग मिली है, 122। तो ये तो निराशाजनक, मतलब हम बॉटम लाइन पर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बताया कि 131 देशों में भारत का स्थान 111। यहाँ पर भी हम, जबकि हमारे देश में बात क्या की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाएं देवी का रूप होती है। तो कामकाजी होने के ना होने के पीछे कई कारण, नेशनल रूप, ये जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण से इस बात का खुलासा होता है कि एक तो भारत में महिलाओं में आधी आबादी को ये परमिशन ही नहीं है कि वो अकेले कहीं जा सकती, उनके घर का कोई मेंबर रिलेटिव होगा जो उन्हें छोड़ने जाएगा। आपने देखा होगा पेपर सेंटर से लेकर हर जगह ये चीजें चलती हैं। तो ये क्या बताता है, डिपेंडेंसी बता देता है कि महिलाएं जॉब करती हैं, अगर उनकी नौकरी लग भी गई है तो अकेले नहीं जा सकते, उनके हस्बैंड या उनके रिलेटिव भाई कोई छोड़ने जाते हैं, ले जाने जाते हैं। पिछले 4 सालों में रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए घटे, बट फीमेल के लिए और भी ज्यादा। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहता है कि कोरोना के कारण पूरे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं खराब, रिसेशन के दौर में चली गई, और इससे बेरोजगारी बढ़ी है, और इसका प्रभाव महिलाओं पर भी पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा। तो ILO ये अपनी रिपोर्ट में बताता है कि 29 ईयर से कम आयु में 6 में से 1 व्यक्ति का काम बंद हो चुका है। राइट, और ये जो देशव्यापी लॉकडाउन शुरू किया गया, फिर अनलॉक हुआ बाद में, फिर अलग अलग जगह सेक्शन वाइज लॉकडाउन, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा COVID-19 के पेशेंट हमारे देश में हो चुके हैं। तो CMIE ये संस्था बताती है कि बेरोजगारी दर 21.2% हो गई है, और अभी और ये बढ़ेगी, इसमें सुधार होने की अभी इस वर्ष तो कोई कहीं से लेके गुंजाइश नहीं है, है ना। क्या होगा, किस डायरेक्शन में, कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक, अब होता क्या है कि महिलाएं जो जॉब करती थी, उनकी अगर जॉब छूट गई तो वो अपना फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगती हैं, यानी पारिवारिक कार्यों में इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं की बेरोजगारी को लेकर के सड़क पर कोई सार्वजनिक प्रदर्शन होते हुए नहीं देखे, किए नहीं जाते। लेकिन यही बात अगर मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो लोग स्ट्राइक करने लगते हैं, मांग करने लगते हैं, है ना। तो ये स्थिति है, तो ये क्या बताती है, ये स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता बताती है। तो देश में जेंडर इनइक्वालिटीज, उसको दूर करो, समानता आना चाहिए मेल फीमेल। तो कई सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिन्होंने बताया है कि महिलाएं सभी प्रकार के काम करने में सक्षम है, लेकिन नियोक्ता के द्वारा भेदभाव किया जाता है। ओडिशा, केरल जैसे राज्यों में महिलाएं बड़ी संख्या में स्किल्ड हैं, और उन्होंने नए नए एक प्रकार से प्रतिमा उदाहरण पेश किए हुए हैं कि वो बिल्कुल कैपेबल है हर प्रकार से काम करने के लिए, उनको कमजोर समझने एक प्रकार से हमारा अज्ञानता है। आज मास्क बनाना हो, चाहे सैनिटाइजर बनाना हो, चाहे राशन पहुंचाना हो, जरूरी सामान पहुंचाना हो, सर्वे करना हो, किस सेक्टर में महिलाएं नहीं है, अगर महिलाओं को सही अवसर प्रोवाइड करें और उनकी स्किल को डेवलपमेंट कर दें तो वो रोजगार उन्हें तो मिलेगा ही, वो रोजगार दे भी सकती है, 4 लोगों को काम पर लगा सकती है।
लेकिन प्रॉब्लम कि हमारे पॉलिसी मेकर इस पॉइंट को ध्यान ही नहीं देते, इस पॉइंट पर उनका कोई विचार ही नहीं जाता है। आज भी देश की कुल आबादी में से 1/3 महिलाएं ही सिर्फ श्रमिक वर्ग का हिस्सा बनी। 2015 में अगर श्रमिक पुरुषों की भागीदारी 75.5 थी, 2016 में ये 76.8 हो गई, लेकिन महिलाओं की जो 2015 में 27.4 थी, ये घटकर 26.9 रह गई। यानी रेग्रेसिव ट्रेंड चल रहा है। सशक्त करना चाहिए, सशक्त के स्थान पर उनमें ये चीज़ें कमी आती जा रही है। कोरोना के कारण बेरोजगारी की दर सबसे ऊंचाई पर है, यानी डबल डिजिट में ये पहुंच जाती है। ठीक, तो चीन के बाद भारत विश्व में सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित देश है बेरोजगारी, इसमें महिलाओं की संख्या 31 करोड़ हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी कहती है कि दुनिया भर में नौकरी पेशा लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और भारत में लगभग 2.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई, और इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो महिला उनके ऊपर। ठीक, ILO की रिपोर्ट कहती है कि ऐसे अवैतनिक घरेलू काम, मतलब पारिवारिक काम, फैमिली के काम जिसमें कोई सैलरी तो मिलती नहीं है, प्रोडक्टिव माना नहीं जाता है, तो उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कोई विशेष सुधार होने वाला नहीं है। रोजगार में लगातार कमी, महिलाओं के श्रम बल में गिरावट तो चिंता का कारण। कृषि प्रधान देश है, महिलाओं की एक बड़ी संख्या कृषि कार्य में भी इन्वॉल्व है, लेकिन इसके उपरांत भी ग्रामीण महिलाओं की बड़ी संख्या बेरोजगार। यानी कि जब इतनी बड़ी संख्या जो हर जगह काम करती है, फिर भी ये महिलाएं श्रम बल में क्यों ऐड नहीं की जाती है, क्या काम करती है? तो ये सभी को मालूम है, पारिवारिक सिर्फ फैमिली, उसमें बुजुर्गों की देखभाल करना, बच्चों का लालन पोषण करना, यानी हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो मेल और फीमेल में मेल को प्रायोरिटी देता है, मानसिकता इसी प्रकार की बनी हुई है। तो अब फाइनली क्या कंक्लूजन उसमें किया जाता है कि महिलाओं को भी अवसर दिया जाए, पुरुषों से बिल्कुल बराबरी की तरह उन्हें अवसर मिलेंगे, कौन सा सेक्टर है, चाहे टूरिज्म है, एजुकेशन है, सभी जगह। तो जब इनकी भागीदारी बढ़ती है तो ओवरऑल रिजल्ट हमारी इकोनॉमी में पॉजिटिव होता है। सो ये वाला एडिटोरियल बहुत काम का है, इसको आप मुख्य परीक्षा में काम ले सकते हो, इसमें इससे कुछ पॉइंट्स लेकर के आप निबंध ऐसे लिख सकते हो, अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर ये आपको बहुत नई प्रकार की जानकारी देता है। इसमें 2-3 रिपोर्ट का भी एक सपोर्ट लिया गया, उन रिपोर्ट को भी आप बना सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पर बारिश और बर्बादी को लेकर लिखा कि हर साल बारिश आती है, पानी ऐसे ही अस्त व्यस्त हो जाता है, ऐसा हर बार हो रहा है। जैसे ही मानसून आया, असम वहाँ बाढ़ आनी है, बिहार में बाढ़ आनी है, मुंबई में बाढ़ आनी है, तो ये सब स्थितियाँ बनी रहती हैं। मुंबई चूँकि एक टापू पर बना हुआ है तो निचले इलाके बहुत जल्दी से जलमग्न हो जाते हैं, तो बारिश में इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक नहीं खोज पा रहे। यानी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस ढंग से डेवलप ही नहीं कर पाए। व्यक्ति 2 महीने बस ये चलता रहेगा, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दो, लेकिन उसको ठीक से करने की बातें नहीं की जाती है। तो ये एडिटोरियल भी एक बार आप पढ़ सकते हो, इसको यूज में ला सकते हैं, राइट। इसके बाद आज और क्या इसमें काम की चीज़ें हैं तो वो हम नीचे के पेजों पर देख लेते हैं। ये पेज किसी काम का नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो पढ़ा जाए। इसके बाद असम, मेघालय, अभी छोटे छोटे जो अर्थक्वेक के झटके हैं वो सभी जगह आ रहे हैं, छोटे छोटे कुछ, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो प्लेटों का मूवमेंट है उस पर। इसके बाद ये कुछ विशेष नहीं। इसके बाद 10 लाख से ज़्यादा हो गए हैं COVID-19 के पेशेंट। देन ये जो जादव वाला केस का मैंने बताया था, तो उसका पूरा डिटेल में यहाँ इस पेज पर प्रिंट किया गया है। तो क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आएगा, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की जानकारी मिल जाती है हमें, पाकिस्तान की नियति से हम पूरी तरीके से परिचित हो जाते हैं, ये पता चल जाता है कि आखिर ये मैटर था क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या डिसीजन दिया था और कैसे उस पर आगे काम हो रहा है, तो वो सब हमें जानकारी मिल जाती है। इसके बाद इसराइल के बीच में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो समझौता किया गया है, हाँ ये न्यूज़ हम पढ़ सकते हैं। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, UPSC लेवल पे तो बिल्कुल मस्ट हो ही जाता है। तो भारत और इसराइल एक ऐसा देश है जो बहुत ही ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली है और एडवांस देश है। तो भारत और इसराइल ने साइबर हमलों से निपटने में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए ये समझौता किया।
कोरोना के कारण अब एक नए तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है। ऑफलाइन काम जो थे वो बंद हो गए हैं, कई सारे काम वर्क फ्रॉम होम हो रहा है नए तरीके से, तो अब पूरा का पूरा डिपेंडेंसी हो गई आईटी पर। वर्चुअल वर्ल्ड, तो वर्चुअल वर्ल्ड में अभी ट्विटर हैक कर लिया, कल को आपका बैंक अकाउंट हैक कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्शन देने के लिए इजराइल में भारत के राजदूत संजीव श्रृंगला और इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय ईगल उन्ना, तो इस दोनों ने इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। जब इंटरनेशनल कोई समझौता होता है तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से होता है, रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन, डेलीगेशन ऑफ लॉ कह सकते हैं इसको। ठीक, तो डिजिटलीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए ये काम किए गए, बस इतना सा है, इससे ज़्यादा विशेष इसमें कुछ है नहीं। अगली न्यूज, जिनसे कोई जानकारी महत्वपूर्ण हो तो वो देख लेते हैं। स्पोर्ट्स में कुछ आता है पढ़ने के लिए, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा कुछ अभी नहीं आ रहा है। फिर ये चीन के साथ जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत थी, जो फ्रंट पेज है उसी का अगला पार्ट दिया गया है, तो उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इसके बाद इकरा ने जीडीपी 2020-21 में 9.5% गिरावट आने का, होता क्या था जीडीपी की ग्रोथ रेट थी, अब रिग्रेसिव चल रहा है। तो घरेलू रेटिंग एजेंसी है इकरा, उसके द्वारा पूर्वानुमान लगाया जाता है कि जीडीपी यानी हमारे देश की टोटल इनकम एक साल में, फिर एक फाइनेंशियल ईयर में जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली, उसको जीडीपी के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने 2020-21 के लिए 9.5% की गिरावट, जबकि पहले 5% की बताते थे, तो अभी दिख भी रहा है गिरावट जैसा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ही अपने बॉटम लेवल को टच कर रही है, तो इसलिए ऐसा है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद, इसके बाद जो है, ऐसी कोई विशेष न्यूज नहीं है जिस पर हम फोकस करें। कोरोना का वैक्सीन पिछले 2 महीने से हर देश अनाउंसमेंट कर देता है, पहले इटली ने किया कि हमने बना लिया, लेकिन इजराइल ने भी किया, लेकिन वो वैक्सीन अभी सामने कहीं नहीं आया है, तो उन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं। ठीक, डेवलपमेंट चल रहा है, अंडर डेवलपिंग चल रहा है, जब बन जाएगा देन उसके बाद। ठीक, इसके बाद नेपाल का वो पगलाया हुआ प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट, तो उससे कोई, अब यहाँ जो ये मैनचेस्टर टेस्ट चल रहा है दो टीमों के बीच में है, हमारा देश से कोई इसका विशेष लेना देना नहीं, इसलिए इसमें कोई भी न्यूज ऐसी नहीं जिससे कोई क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो ये एक तरीका रहा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी न्यूज हम छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं नई दुनिया या भास्कर, एमपीपीएससी के लिए आप नई दुनिया भास्कर पढ़ सकते हो, लेकिन आप देखो एक नेशनल लेवल जैसे जनसत्ता, थैंक्स फ्रॉम जनसत्ता जिन्होंने पेपर अवेलेबल कराया, इसमें एक स्टैंडर्ड वे देखता है। एमपी मिसिंग हो जाता है तो एमपी के लिए आप वो न्यूज़पेपर ले सकते हो, रोजगार निर्माण ले सकते हो, वहाँ से उन चीज़ों को फिल कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ना चाहिए, वहीं से हमें जानकारी मिलती है। सो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। डिफरेंट टॉपिक को लेकर के यहाँ रेगुलर वीडियो आते हैं, तो उनका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।